हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुपर्णा। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ जैकलिन हिल मोर्फी पैलेट के बारे में, जो कि एक आई शैडो पैलेट है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो पे आप एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। तो इसे ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें बबल रैप लगा हुआ है ताकि हमारे प्रोडक्ट को कोई हार्म ना हो। तो यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कुछ मैग्नेटिक ओपनिंग या क्लोजिंग है इसकी। तो इसे ओपन करते हैं, फिर उसके बाद इसमें एक प्रोटेक्शन मिलता है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसे हम हटा देते हैं। ये सिर लगा होता है ताकि हमारे आई शैडो मैसी होते हैं तो हमारा पैलेट गंदा ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं गाइस। हम आपको बता दें कि ये जैकलिन हिल मोर्फी पैलेट का डुप है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल काफ़ी कॉस्टली है, ये वही 4000 अराउंड है ओरिजिनल। तो ओरिजिनल सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये डुप है उसका। और इसके बारे में हम बात करते हैं, कुछ इस तरह से आप इसके कलर देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कितने सारे कलर हैं। हम काफी सारे आईडो क्रिएट कर सकते हैं गाइस, और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा पैलेट है। बिगनर्स के लिए इसमें सारे कलर भी मिल जाते हैं और अफोर्डेबल रेंज में भी है। आपको बता दें गाइस कि मैंने मीशो से परचेज किया था, ये मुझे वही 500 अराउंड ऐसे ही मिला था, 500 या 400 ऐसे ही था, मुझे याद नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं गाइस इसमें कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर दिए गए हैं। इसमें वही टोटल 35 शेड्स हैं, ठीक है ना। इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल कलर हैं जो आप कोई भी आई लुक अपनी ड्रेस की मैचिंग का भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक शेड भी है, ब्राउन शेड भी है, लाइट ब्राउन भी है, ठीक है ना। तो ये सबसे अच्छी बात होती है एक पैलेट में जो हम स्मोकी आई लुक कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात है कि एक पैलेट में हमें सारा कुछ मिला जा रहा है, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं इनकी पिगमेंटेशन के बारे में, ठीक है ना। गाइस अब देख सकते हैं इनकी पिगमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है, बट बिगनर्स के लिए ठीक है, क्योंकि वो जब ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाती हैं चीज़ें तो फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो इसलिए ये पैलेट बिगनर्स के लिए अच्छी है, ठीक है ना। और आपको बता दें इसमें कुछ सिमरी सेट भी हैं, आप देख सकते हैं कुछ सिमर सेट भी हैं, कुछ मैट भी हैं, ठीक है ना। हमें ट्रांजिशन सेट भी मिल जाते हैं इसमें, एक पीस के लिए भी मिल जाते हैं, ब्यूटीफुल है। हम कहेंगे कि ये बिगनर्स के लिए अच्छी है, प्रोफेशनल के लिए नहीं। गाइस मैं आपको इसके और भी स्वेचर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं गाइस इसके कुछ सेट चौकी है, बहुत ज्यादा चौकी नहीं है, बट आपको बता दें अगर आप इस पैलेट को बाय करना चाहते हैं तो आप बेसक इसे बाय कर सकते हैं। ये काफी बजट फ्रेंडली बिगनर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है। मैं भी इसे यूज कर चुकी हूँ, करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज अगर इस पैलेट से आप कोई आई लुक देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं किसी दिन आपको इससे आई लुक करके भी दिखा दूँगी आपको। तो गाइज अगर इस प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, ओके। तो गाइस अगर मेरी वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ जाते जाते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो गाइस टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।